तो घर से निकले हैं आम तोड़ने के लिए। तो अभी थोड़ा दूर है, जा रहे हैं आम। अब देख सकते हैं इस तालाब में बहुत भरा भरा पानी रहता है, लेकिन इस टाइम पूरा सूख चुका है। और यहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। की शाट, तो यही वो पेड़ है, बहुत मोटा पेड़ है, चढ़ना उतना अफ्टरनून। अभी दोपहर का 2 बज रहा है और अभी हम लोग चले हैं आम पाड़ने के लिए। और बहुत दिन से आम खाने का मन कर रहा था, इसलिए दोपहर ही आज टाइम मिला है। तो यही वो पेड़ है, बहुत मोटा पेड़ है, चढ़ना उतना। तो घर से निकले हैं आम तोड़ने के लिए। तो अभी थोड़ा दूर है, जा रहे हैं आम पड़ने के लिए। वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं कैसा आम है और क्या है। तो घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं और हमारा जो गांव का जितने सारे तालाब थे वो सब सूख चुका है। अब देख सकते हैं इस तालाब में बहुत भरा भरा पानी रहता है, लेकिन इस टाइम पूरा सूख चुका है। और यहाँ पर जो मछली था वो भी सब मर चुका है, कुछ मछली बचा हुआ है। और वो जो बक, वो सारस पक्षी देख रहे हैं, उन सब उस मछली को खा रहे हैं। तो ऐसा हाल हुआ है, ऐसा मंजर बना है हमारे इस पुरुलिया के हर क्षेत्र का, हर गांव में पानी का बहुत अभाव। चलिए अभी बहुत दूर पहुंच चुके हैं, जाते हैं आगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पीछे जो खजूर का पेड़ है, इस साल इसमें खजूर नहीं मतलब हुआ है, नहीं तो दूसरे साल खजूर बहुत होता था, लेकिन इस बार नहीं फला है। तो खजूर खाने भी जाएंगे, दूसरे पेड़ जो हमारे गांव का कुछ पेड़ बचा है वो सब पेड़ में जाएंगे खजूर खाने के लिए। उसमें भी दिखाएंगे कैसा खजूर इस साल हुआ है। तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और कुछ देर लगेगा हमको पहुंचने में, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो गाइस देख सकते हैं चारों ओर कितना सन्नाटा, दोपहर का टाइम है, 2:30 बज रहा है। तो इस टाइम चारों ओर इतना सन्नाटा रहता है कि इतना धूप, चिड़चिड़ाती धूप कहीं भी लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ एक दो लड़का लोग दिख रहा है, इस आम पेड़ है इसलिए। तो पेड़ एक ऐसा ही चीज़ है जो लोगों को खींच लाता है अपने करीब, और अपने छांव तले इतना सुकून फील होता है उसके छांव तले कि कहना ही भूलिए। तो देख सकते हैं हम अभी पहुंच चुके हैं, जो पेड़ है आम का पेड़ है उसके नज़दीक इस जो छोटे तालाब है, इस तालाब में भी पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस तालाब का जो पानी है बहुत गंदा हो चुका है, मतलब इस पानी बहुत कम है। और इसके कारण यहाँ जो मछली वछली है वो सब इस प्रदूषण के कारण मर भी जा रहा है। तो यही हाल है, यहाँ कुछ हाँस के बच्चे, बतख के बच्चे देख सकते हैं। और यहाँ जो है पेड़ है, यही आम का पेड़ है, देख सकते हैं यही वो पेड़ है जिसमें आम है। आम तो दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कम है, देख रहे हैं। हमको तो चढ़ना नहीं आता, लेकिन कोशिश करेंगे, आसान नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे चढ़ने की। तो देख रहे हैं कैसे चढ़ा जाए। और आम हमको तो नहीं लग रहा है कि आम हम तोड़ पाएंगे, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम गाछ उठ चुके हैं, पेड़ देख सकते हैं, ये वो आम का पेड़ है। और बहुत मेहनत के बाद चढ़ पाए हैं, तो कोशिश करेंगे तोड़ने के लिए। देख रहे हैं किधर पका पका है आम। ये है वो आम, और इस पेड़ पर अभी भी बहुत आम है लेकिन पका नहीं है, सब कच्चा हुआ है, कच्चा कच्चा है, लेकिन पक जाएगा ये बहुत जल्द। देखें इतने सारे आम पाड़ लिए हैं और बहुत मीठा मीठा आम है ये।
की साथ से साथ। तो गाइस हमने बहुत सारा आम पार लिए हैं लेकिन एक भी पका हुआ आम नहीं मिला, ये बहुत अफसोस लगा हमको। कभी मतलब 2-3 साल से पेड़ नहीं चढ़े थे, ट्राई किए बहुत, उसके बाद चढ़ पाए। तो इतने सारे आम रहते हुए भी एक भी पका हुआ आम नहीं मिला। इसका कारण क्या है जानते हैं? इस पेड़ पर 2400 मतलब दिन में किसी भी टाइम आप आइएगा तो फिर इसमें पेड़ पर खाली नहीं मिलेगा, कोई ना कोई बच्चा इस पर रहता ही है, इसलिए इस पर एक भी आम पका नहीं मिलेगा। तो जितना सारा मिला है उसी को पकाएंगे और टेस्ट करेंगे। इसका बहुत ही टेस्टी होता है इसका आम, आप भी कभी आइएगा तो हमारा कलमा गांव का इस पेड़ पर ज़रूर आम खाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए विदा दीजिए आपका दोस्त सम्मुख। जय हिंद, वंदे मातरम।